जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में शुक्रवार को शहर के वर्कर्स कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग के अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार पानी मौजूद थे। इसके अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी हसन इमाम मिल्लक भी वहां मौजूद रहे। एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज अहमद, आरका जैन के एसएस रजी और विनोद के अलावा पुराने एल्युमनी भी वहां मौजूद थे। कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि कॉलेज का विश्वविद्यालय के साथ रिसर्च, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एक MOU कराया गया है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को कोऑपरेटिव कॉलेज और वर्कर्स कॉलेज के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आगे चलकर अन्य क्षेत्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से और दोनों कॉलेज के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है रिसर्च के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से हम लोग MOU कर रहे हैं। उसी के तहत जो MOU जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के साथ और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के साथ हुआ है, उसमें ये पहला मैच MOU के तहत वॉलीबॉल का इंटर कॉलेज इवेंट के तहत हो रहा है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।